धर्मा प्रोडक्शन की भूतिया मूवी को कलंक लग गया। हेलो फ्रेंड्स, मूवी रिव्यू के फर्स्ट कमाल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द भूत द हॉन्टेड से पार्ट 1 के मूवी के बारे में। तो कैसी लगी आपको मूवी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्या भाई, धर्मा प्रोडक्शन स्टूडेंट ऑफ द ईयर में चूना लगाया था। हमको लगा था कि हॉन्टेड द शिप में कुछ नए डायरेक्टर को लाके कुछ अलग सा फीलिंग देगा, लेकिन भाई ये तो करण जौहर की मूवी है। इसमें आप डरेंगे नहीं, आप हंसेंगे, आप कॉमेडी करेंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे। इस तरह की इंजॉय मूवी थी, लेकिन इसको और अच्छी बनाया जा सकता था, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन ने इसमें कोशिश नहीं की और ये मूवी उस लेवल की हाई क्रिएट करने के बावजूद भी मूवी नहीं चल पाई। अगर आप देखेंगे तो पहले डे की कलेक्शन मेरे मूवी देखने के बाद पता चला कि 5 करोड़ ही हुई है, जो एक मूवी के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है। इस तरह की मूवी के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है, जहाँ पे विकी कौशल जैसे एक्टर है, भूमि पेडनेकर जैसे एक्टर जिन्होंने अपकमिंग बहुत सारी मूवी दी है, भूमि पेडनेकर की मैं बात कर रहा हूँ, और विकी कौशल भाई इंडिया के हाउ द जोश, कहाँ गया भाई जोश, उनको नहीं लग रहा था, वो काफ़ी डरे हुए थे। और काफ़ी जो एक्टिंग है, उनकी एक्टिंग तो अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ स्टोरी के कारण मूवी में थोड़ा सा वो मार खा गए। वो स्टोरी जो दिखाना चाह रहे थे, हाँ आपको एंडिंग में क्लाइमेक्स सीन जरूर देंगे, लेकिन जो स्टोरी दिखाना चाह रहे थे वो मेन प्लॉट पे वो नहीं दिखा पाए, और उस तरह से मूवी उस लेवल की ना जा पाई। अगर मूवी की स्टेप बाई स्टेप बात की जाए, पहले हाफ मूवी एक स्टोरी बिल्डअप करता रह गया, सेकेंड हाफ मूवी एक स्टोरी बिल्डअप करता रह गया। स्टोरी कहाँ है भाई, ये आपको एंड में पता चलेगा। जो हल्के से क्लाइमेक्स सीन यूनिक किए गए हैं, जो पार्ट 2 के लिए छोड़ा गया है, उसमें थोड़ा सा आपको बेहतरीन लगेगा, अदरवाइज कुछ नहीं लगेगा। तो बस मूवी में जो म्यूजिक थे, बैकग्राउंड स्कोर थी, हाँ आवाज़ कुछ अच्छे थे, काफ़ी डराने वाली आवाज़ थी, क्योंकि हम बहुत सारे हॉरर मूवी देख चुके हैं, तो उस तरह के स्केरी पर नहीं था जो आप और सब मूवी में एक्सपेक्ट कर सकते थे। इसको अगर हॉलीवुड बनाता तो कुछ अलग स्टाइल से बनाता, और हाँ इसी में कुछ ना कुछ वो स्केरी डालता, इसमें नहीं दिखाया। स्टोरी की जहाँ बात की जाए, स्टोरी एक सिंपल है कि एक मुंबई में अचानक सिप आ जाता है, उसके बाद ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, स्टाफ होते हैं, जो वहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, और वो वहाँ फंस जाते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि वो खुद इन कहानी के हिस्से हैं। तो स्टोरी काफ़ी अच्छा था, उसको और बिल्डअप कर दिया जा सकता था, लेकिन नहीं हो पाया। इस कारण से मूवी उस लेवल की हाइक क्रिएट करने के बावजूद भी, क्योंकि भूत के जो ट्रीजर आए थे वो काफ़ी ज़्यादा हाइक क्रिएट किया था, वो टाइम दिया गया गया था, फिर उसका ट्रेलर का मैं रिव्यू दे चुका हूँ, आप मेरे देख सकते हैं आई बटन पे जाकर उस ट्रेलर के रिव्यू को देख सकते हैं। लेकिन मैंने उसमें बोला था कि अच्छे अगर कहानी नहीं क्रिएट कर पाएगा तो कलंक वाला हाल हो जाएगा, और पता नहीं कुछ साल से बॉलीवुड मूवी चल नहीं रही है, तो इस तरह से द भूत हॉन्टेड से शुभ मंगल सावधान से ज़्यादा नहीं चल पाई, और जहाँ एक्सपेक्टेशन हाई थी मेरी वो थोड़ी सी डाउन कर गई। तो सो फ्रेंड, रिव्यू की बात आ गई तो मैं इस मूवी को रिव्यू करूंगा 2 out of 5, 3 स्टार मैं इसलिए काट रहा हूँ, एक बेस्ट डायरेक्शन नहीं था, एक बेस्ट स्टोरी नहीं था, और एक बेस्ट स्क्रीन प्ले नहीं था। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ढेर सारे ऐसे कंटेंट के लिए मूवी रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।